नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जीवन के अंदर हम सभी लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए सारी सुख सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त की जाए, हमारी कुंडली किस तरह से काम करती है, हमारी कुंडली में किस प्रकार के राय योग हैं, धन योग हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। मगर कई बार हम अपने राय योग को खुद ही खराब कर लेते हैं। खराब कैसे कर लेते हैं, आज उसकी बात करेंगे। साथ ही एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली जो है आपका काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। इनकी सिस्टर की डेथ भी हो चुकी है और दूसरी सिस्टर की सर्जरी भी हुई है। मदर के लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पर कौन से प्लैनेट्स इसके पीछे कैसे काम करते हैं, इसको समझना है और कैसे उन समस्याओं को ठीक करना है, ताकि जीवन के अंदर ग्रोथ आ सके, समय रहते चीज़ों को समझ के उनको ठीक किया जा सके। क्योंकि नॉर्मली हम लोग समझने में काफ़ी लेट हो जाते हैं। 40, 45, 50 साल की उम्र में जाके समझने का प्रयास करते हैं कि अचानक परेशानी आई तो उसके पीछे कारण क्या है। मगर यही बात अगर समय रहते सीख लें, समझ लें, तो निश्चित तौर पर आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके अंदर कहा गया है कि जन्म और मृत्यु तय है, मगर इसके बीच की जो डेस्टिनी है उसको हम रेमेडीज़ के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि हम ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण हमारे अच्छे प्लैनेट कई बार खराब रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्लैनेट काम करते कैसे हैं या उनकी कारक चीज़ें क्या हैं। अब हम सभी को पता है कि हमारे कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रह को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इनमें से कौन सा किस चीज़ का कारक है। जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं उनको ये बात काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी, सीख चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं या जब बात होती है तो पता लगता है कि वो नोट्स बना रहे हैं, सीख रहे हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यस इट इज़ वर्किंग। तो आप सभी के लिए ज्योतिष सीखना चाहे प्रोफेशनल वे में अडॉप्ट करें या ना करें, मगर सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये बात को आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे जीवन में अगर इस तरह की परेशानी चल रही है तो उसके पीछे का बेसिक कारण क्या है। जब तक आप बेसिक कारण यानी कि समस्या की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक जीवन भर कितना भी प्रयास करते रहें वो समस्याएँ ठीक नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे डॉक्टर्स जब कंसल्ट करते हैं तो वो खुद कहने को डॉक्टर हैं, मगर उनकी कुंडली में अगर किसी प्रकार की डिसीज़ का योग बना हुआ है तो उस डिसीज़ को वो फेस कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ में किसी प्रकार के चैलेंजेस हैं तो वो चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सारे आपका अच्छे जो लेवल के लोग हैं जिनको दूर से देखने में लगता है कि इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मगर उनके लाइफ में एग्जैक्टली किस प्रकार की परेशानी है वो बात जब उनसे बात की जाती है या जब उनसे आप क्लोज किसी के रहते हैं तो बात समझ में आती है। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जन्म कुंडली के अंदर नॉर्मली हमें 6 सेक्टर के बारे में पता करना होता है। हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, संतान, ये सारी चीज़ें नॉर्मली देखी जाती हैं कि इसमें क्या ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा। समय के साथ हर चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके एजुकेशन को लेके फोकस, जब पढ़ाई कर ली तो उसके कैरियर को लेके, कैरियर के बाद शादी को लेके चिंता, शादी के बाद संतान को लेके चिंता, उसके बाद ओवरऑल लाइफ के अंदर ग्रोथ कैसे ली जाए इस बात को लेके चिंता। तो चिंता कहीं ना कहीं हमेशा बनी रहती है, मगर किस विषय में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए उसको आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ईजिली समझ सकते हैं। तो ये पीछे जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें हर एक वीडियो के अंदर कोई ना कोई टॉपिक के साथ साथ किसी न किसी कुंडली के एग्जांपल के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे हमारी हॉरोस्कोप काम करती है। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं जब अपने आसपास लोगों को देखता हूँ कि रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं कि रेमेडीज़ बता दीजिए, ये ठीक करना है, वो चाहिए, शेयर मार्केट से लाभ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में है आपका, पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, ये मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, मगर
खुद क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है। यानी कि आज का जो टॉपिक है कि हम अपने प्लैनेट्स कैसे खुद ही खराब कर लेते हैं। जैसे हम जुपिटर, अगर हम कैटेगरी बनाएं कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट की, तो सबसे ऊपर जुपिटर, उसके बाद सूर्य, सन, क्योंकि जुपिटर क्या है, सभी ग्रहों के अंदर गुरुदेव हैं, सबसे पावरफुल प्लैनेट हैं। सेकंड नंबर पर राजा, तो राजा की एक अपनी पावर होती है और गुरुदेव की अपनी पावर होती है, क्योंकि राजा भी कोई भी कार्य करता है तो हर राजा के साथ एक गुरुदेव जुड़े होते हैं और उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेकर उन्हीं की आज्ञा का पालन कर कर ही वो सभी कार्यों को करता है। सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, ये सारे प्लैनेट आते हैं। सभी प्लैनेट्स अपनी जगह अपना अपना रोल प्ले करते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि हम क्या गलतियां ऐसी कर लेते हैं जिसके कारण हमें जीवन में परेशानी आती है। सबसे पहले अगर बात करते हैं बृहस्पति देव, बृहस्पति देव है क्या इस बात को समझना होगा। हर ग्रह की एक कारक चीज होती है और एक, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि लाइव और अलाइव। लाइव में क्या आता है, जैसे कि बृहस्पति क्या है, घर के बुजुर्ग, तो हमारे घर के जितने भी बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बृहस्पति की कैटेगरी में आते हैं। हमारे गुरु जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो बृहस्पति देव की कैटेगरी में आते हैं। बृहस्पति देव हमारे पिता और दादा से कनेक्ट होते हैं। जब तक दादा हैं तो कुंडली के अंदर बृहस्पति देव दादा का रोल प्ले करेंगे। जब दादा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद घर के जो बड़े हैं वो पिता हो जाते हैं, तो यहाँ पर पिता जो हैं वो बृहस्पति देव की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति किसी भी हाउस में बैठे हों, कैसे भी हों, अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो जातक के फादर, ग्रैंडफादर, ये लोग जीवन के अंदर संघर्ष का सामना करते देखे गए होंगे, परेशानियां उनके जीवन में रही होगी। बृहस्पति देव के खराब होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, कुंडली के माध्यम से उसको ईजिली चेक किया जा सकता है। मगर यहाँ पर हम केवल सिम्टम्स के आधार पर, कि हमें कुंडली देखनी नहीं आती, अब नहीं आती तो कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करें और कौन सी रेमेडीज करें जिससे कि हमारे वो प्लैनेट ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हों। क्योंकि ये जो रेमेडीज हैं ये काम करेंगी होम्योपैथी दवाई की तरह, धीरे धीरे काम करेगी मगर बीमारी को जड़ से खत्म करेगी। मगर धैर्य के साथ हमें इन रेमेडीज को परफॉर्म करते रहना चाहिए अपने सिम्टम्स के आधार पर चीजों को समझकर। बृहस्पति देव अगर लाइव की बात करें तो हमारे घर के बुजुर्ग कारक हैं। अगर लाइव की बात करें तो यहाँ पर हमारी गुडविल, हमारा मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सब चीजें बृहस्पति देव से कनेक्ट होती हैं। किस्मत का सबसे बड़ा रोल आदमी की जिंदगी में रहता है, क्योंकि मेहनत हर व्यक्ति जीवन में करना चाहता है। ये कहना गलत है कि वो मेहनत नहीं करता, वो मेहनत ज़्यादा करता है, उसने ये सब कुछ पा लिया। मेहनत तो सभी व्यक्ति करना चाहते हैं, मगर मेहनत कौन करता है, प्लैनेट्स ही करवाते हैं। जो डायरेक्शन हमारे दिमाग में आएगी, जहां हम चलेंगे वहां जाके काम करेंगे। तो हमें लगता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि यही व्यक्ति जो लगातार मेहनत करके टॉप पे पहुंच रहा है, जब उसके जीवन में अचानक परेशानी आती है तो बिल्कुल जब जमीन पे आ जाता है फिर वो इधर उधर भागता है, कह रहे साहब ये क्या हो गया। बृहस्पति देव के लिए हमारे घर के बुजुर्ग, अब जिस व्यक्ति को अपने बृहस्पति देव को अच्छा करना हो या खराब स्थिति को एनालाइज करना हो, तो सिंपल सी बात है, घर के आसपास पीपल का उगना, ये बृहस्पति खराब की निशानी है। बृहस्पति देव घर के, आपके जैसे बुजुर्ग हैं तो घर के बुजुर्गों परेशानी में हों, उनके हेल्थ इशू चल रहे हों, आर्थिक तंगी का सामना जीवन में बहुत किया हो, काफ़ी ज़्यादा उनके संघर्ष रहा हो, परेशानी रही हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर रही हो, चाहे मैरिड लाइफ हो या किसी फैक्टर को लेकर रही हो, तो यहाँ पर कुंडलियाँ बृहस्पति देव आपके वीक हैं। बृहस्पति देव को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप सभी व्यक्ति को डेली पीपल में जल जरूर चढ़ाना चाहिए, संडे के दिन छोड़कर, किसी भी टाइम चढ़ा लें। जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, आप कहीं भी जाएं, पीपल का पेड़ कहीं ना कहीं मिल जाता है हमारे ऑफिस के आसपास, कहीं ना कहीं मंदिर में या कहीं भी, पीपल पर जल जरूर चढ़ाते रहें। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं,
माथे पे लगा लें, दोनों कानों पे लगा लें, गले पे जो कंठ है वहां लगा लें। ये दो कार्य लगातार करते रहें। साथ ही ये कार्य करने के साथ साथ लोग करते क्या हैं कि उपाय काम नहीं करते। इधर तो आप बृहस्पति देव को ठीक करने के लिए उपाय पे उपाय किए जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी कुंडली के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली के अनुसार उपाय जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। डिपेंड करता है लगन चार्ट और वर्षफल पे, जैसा आप सभी को पता है। मगर जो एक जनरल रेमेडी है जो धीरे धीरे काम करेगी मगर बीमारी को जड़ से खत्म करेगी। मगर दूसरी ओर घर के बुजुर्गों से आप लड़ाई कर रहे हैं, अपने पिता से बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे, अपने दादाजी आपके घर में परेशान है, उनकी सेवा कर, तो आप इन रेमेडीज के साथ साथ अगर उनके साथ रिलेशन हेल्दी रखते हैं, क्योंकि जब कोई प्लैनेट कुंडली में खराब होगा तो रिलेशन आपके खराब कराएगा पर्टिकुलर उस व्यक्ति से जिसका वो कारक है। अब यहाँ पर हम अपने रिलेशन तो खराब करके बैठे हुए हैं। पिताजी ने कहा बेटा जरा ये सामान ला देना, नहीं लेके आए। पिताजी ने कहा ये काम कर देना, या दादाजी ने कहा बेटा ये कर देना, वो कुछ नहीं किया। इधर बीमार पड़े हैं, उधर कमरे में पड़े हैं, ठीक है रहने दो, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे, हमारा अपना लाइफ स्टाइल है, हम घूमने जा रहे हैं तो जा रहे हैं। जब तक आप अपनी सोच उनके प्रति अच्छी नहीं करेंगे तो ये उपाय भी आपको काम नहीं करेंगे। सबसे पहला काम जो लाइव थिंग है उनकी सेवा करना प्रारंभ कीजिए, उनके प्रति अपने भाव अच्छे कीजिए। आप 100% आपके कुंडली में कितने भी खराब क्यों ना हो बृहस्पति देव, आपको कुंडली देखनी नहीं आती, मगर जब आप ये भाव मन में ले आएंगे, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि आपके हाथ में जीवन में कुछ नहीं है, जितनी मर्जी भागा दौड़ कर लीजिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत भागा दौड़ी करते हैं, मगर जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते। जब समय आता है, जब ईश्वर की इच्छा होती है, जब प्लैनेट सपोर्ट करते हैं, तो आदमी घर बैठे ही सब कुछ हासिल कर लेता है। ये मैंने प्रैक्टिकली सभी चीजों को देखा है। एक कहावत है बुजुर्गों की कि जब समय मेहरबान तो गधा पहलवान। तो ये बात 100% तय है कि बुजुर्गों की जितनी भी कहावतें हैं, बुजुर्गों के बनाए हुए जितने भी रीति रिवाज हैं, उन सबका पालन हमें करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने रीति रिवाज या बुजुर्गों की परंपराओं का पालन नहीं करता तो उसकी कुंडली बृहस्पति देव निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खराब स्थिति में है, ईश्वर को नहीं मानता। अब यहाँ पर आप किसी भी धर्म से संबंधित हों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अदर धर्म से संबंधित हैं, जो मुस्लिम हैं, वो मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखते हैं, कंसल्टेशन भी लेते हैं, तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे कई बार इस चीज़ को लेके एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा भी देखने को मिलेगा, मगर अदर कंट्रीज़ के अंदर जो प्योर अरबी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, ऐसी जगह से भी लोग एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज एट दैट टाइम कि जब इन लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर यस दैट थिंग विल बी हैपन, हो चुकी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, प्लीज़ चार्ट देख। तो खैर प्लैनेट तो प्लैनेट हैं, प्लैनेट कोई ऐसा तो है नहीं कि हिंदू धर्म पे काम करेंगे, मुस्लिम पे नहीं करेंगे या क्रिश्चियंस पे नहीं करेंगे, वो तो सभी जगह काम करेंगे। प्लैनेट तो आपका आकाशमंडल में है, समझ लें तो आपकी समझदारी है, नहीं समझे तो भी ठीक है, जीवन तो चलना है। तो बृहस्पति देव को ठीक करने के लिए दो उपाय। सबसे पहले लाइव जो थिंग है उनकी सेवा शुरू कर दीजिए। उन्होंने जो भी किया, क्योंकि जब कोई प्राण खराब होगा तो उससे झगड़ा कराएगा, मतभेद पैदा करेगा। मतभेद पैदा कैसे होगा, कोई ना कोई बात उनकी तरफ से ऐसी आएगी जो आपको समझ नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी। और जब आप सेवा करने जाएंगे तो प्लैनेट आपको रेमेडी करने से रोकेंगे, क्योंकि ये सेवा करना भी एक प्रकार की उपाय है। प्लैनेट आपको रेमेडीज करने से हमेशा रोकते हैं, ये ध्यान रखना। तो वो आपके कुछ न कुछ स्थिति ऐसा पता करेंगे कि आप आज जाके सेवा करेंगे, थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दो शब्द आपको खराब बोल दिए, आप कहेंगे ये पड़ी थाली और मैं चल दिया। ठंडे दिमाग से, धैर्य के साथ, मन को शांत करके, ईश्वर का ध्यान करके आपने अपने मन में उनके प्रति भाव अच्छा लाना है कि किसी भी कीमत पे उन्होंने जीवन में जो संघर्ष देखा देखा, मगर अब मैं उनको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होने दूंगा। हर काम पैसे से हो जरूरी नहीं है, पैसा अलग चीज़ है कि ठीक है आपको उनको कोई चीज़ चाहिए तो पैसे से ला के दे दी, मगर पैसे से ज़्यादा तन की सेवा होती है। तो आपको भगवान ने एक अच्छा शरीर दिया है तो उस शरीर से सेवा भाव पैदा कीजिए।
सूर्य की बात करते हैं, सेकंड नंबर पे ग्रहों के राजा सूर्य है। सूर्य कुंडली के अंदर मोस्ट पावरफुल प्लैनेट हैं। सूर्य बृहस्पति कुंडली के जिसके अंदर दोनों अच्छे हों, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर जीवन में राजा के समान होता है, और नहीं भी हो और वो इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करता है तो जीवन में एक दिन सफल जरूर होता है। सूर्य क्या है? सूर्य है गवर्नमेंट, राज दरबार, नेम और फेम। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत होता है मगर उनको लोग जानते नहीं हैं, दैट इज जुपिटर। कि पैसा है, इज्जत शोहरत है, मगर कहाँ पे है? जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे है। जैसे कोई फिल्म स्टार है, अब अमिताभ बच्चन की बात लेते हैं, तो अमिताभ बच्चन के पास पैसा तो ठीक है, नेम फेम कितना है कि बच्चा बच्चा जानता है, मगर यहीं पे अमिताभ बच्चन जैसे सैकड़ों लोगों को ऐसा व्यक्ति खड़े खड़े खरीद ले, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन लाखों की तादाद में इंडिया में मौजूद हैं। बात को समझिएगा कि उन पे इतना पैसा है कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बराबर वो एक जना पैसा रखता है, मगर उनके बारे में आप में से मेरे में से नहीं जानते। मोटा मोटा दो चार का पता है, रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, ये कॉमन से नाम सुनते आए हैं, मगर इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं उनका पता ही नहीं है। ये क्या है कि उनके पास इज्जत शोहरत सब कुछ है मगर कहीं ना कहीं सन की कमी है। जिसका सन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा उसको नेम फेम जरूर मिलेगा। अब सन खराब कब हो जाता है कुंडली के अंदर? सन खराब हो जाता है जिसको ज़्यादा नमक खाने की आदत हो, ये सूर्य खराब के लक्षण है। जो उससे ज़्यादा मीठा खाने की आदत हो, ये भी सूर्य खराब के लक्षण है। सूर्य हमारे पिता का कारक भी है। अब मैंने आपको बताया था कि घर के बुजुर्ग जुपिटर हैं, सूर्य पिता है, तो पिता के साथ अगर रिलेशन खराब है, सूर्य खराब ऑटोमेटिक होगा। गवर्नमेंट से किसी प्रकार की आप चीटिंग करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने सन को खराब कर रहे हैं। भाई ठीक है, जो आना है वो आना है, जो जाना है वो जाना है, जिसका जो आना है वो लीजिए, जिसका जो देना वो दीजिए। अगर आप किसी प्रकार का गवर्नमेंट से चीटिंग करते हैं तो उसके परिणाम आपको गवर्नमेंट से पनिशमेंट के रूप में कभी ना कभी भुगतने को अवश्य मिलेंगे, और ऐसा होता है। तो दैट इज सन। मून की बात करते हैं तो मून क्या है? मून हमारे पीस ऑफ माइंड, हमारे मन की शांति है। मून हमारी लिक्विड कैश, जिसके पीछे हम सबसे ज़्यादा भागते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। मून हमारी मदर का कारक है। लाइव थिंग की बात करें तो हमारी मदर का कारक है, और नॉन अलाइव थिंग की बात करें तो यहाँ पर पैसे का कारक है, एजुकेशन का कारक है, जो स्कूली शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, दैट इज मून। मून हमारे जीवन में हैप्पीनेस का कारक है, खुशियों का कारक है। चंद्रमा कुंडली में जब खराब होगा, मदर के हेल्थ इश्यू, मन के अंदर किसी न किसी प्रकार की चिंता परेशानी हमेशा बनी रहेगी, सब कुछ होते हुए मन परेशान रहेगा। कई बार ज़्यादा खराब होगा तो डिप्रेशन पैदा कर देगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, मदर के हेल्थ इश्यू, मदर की सर्जरी करा दी, मदर से झगड़ा हो रहा है, ये सारे के सारे मून खराब के सिम्टम्स हैं। अब कैसे करा जाए? यानी कि प्लैनेट अपनी खराब स्थिति में जो कार्य करा रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे, वो करा रहे हैं, हमने उसके अंगेज जाकर उन्हीं कामों को ठीक करना है, माँ की सेवा करनी है। बुजुर्ग औरतें भी चंद्रमा की कैटेगरी में आती हैं, उनकी भी सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेते रहना है। करके देखिए, आपका चंद्रमा कितना भी खराब हो, बिना दवाई के बहुत सारे लोग हैं कि सर मैं नींद की गोली खा रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, पिछले 4 साल से एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये है। अरे छोड़ दीजिए, आप केवल एक बार इस सिस्टम को फॉलो तो कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की स्थिति लग रही है, रात को पानी सराहने रख के सोइए, नेक्स्ट डे किसी पौधे में डालना स्टार्ट कर दीजिए। घर में कोई सा पौधा हो, तुलसा का हो तुलसा में डालिए, या कोई पौधा उसमें डालिए। आधा कप दूध पानी में डालकर उस पानी से स्नान कीजिए, करके देखिए। और साथ ही रेमेडी काम तभी करेगी 100% जब आप कारक चीजों को भी सेवा भाव से देखेंगे। तो माँ की सेवा अवश्य कीजिए, क्योंकि जब खराब होगा तो झगड़ा कराएगा, झगड़ा करना नहीं है, आपने सेवा करनी है।
ये करेंगे तो आपकी स्थिति पैसे को लेके कितनी भी खराब हो, डिप्रेशन कितना भी हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होगा। क्योंकि एक बात को समझिएगा कि हम लोग समय समय में पूजा पाठ करते हैं, अरे साहब श्राद्ध आ गए, श्राद्ध की वीडियो देख ली, तो पितृपक्ष का उपाय करने के लिए श्राद्ध के अंदर उपाय शुरू कर दिए। उपाय तो आप कर रहे हैं, मगर किसके कर रहे हैं? जो हमारे घर के बुजुर्ग थे जो चले गए, उन्हीं के तो कर रहे हैं। वो खुश रहे कि श्राद्ध का जो एक टाइम पीरियड है वो इसलिए बनाया गया है कि आप साल में एक बार जो हमारे साथ थे, हमारे प्रिय थे जो चले गए इस जीवन में, वो उनको एक बार याद किया जा सके। एक सिस्टमेटिक सब कुछ बनाया गया है कि उनको साल में एक बार याद किया जा सके, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता दे कि उस समय पे उनके प्रति भाव आपका क्या रहना है, उनको याद करना है, उनके नाम का भोजन निकालना है, दान दक्षिणा देनी है। एक सिस्टम बनाया है ताकि आप पीढ़ी दर पीढ़ी सभी चीजों को एक रिमाइंड कर सकें। हम श्राद्ध के अंदर तो बड़ा कपड़ा खरीद रहे हैं, अच्छा भोजन मंदिर में देखे आ रहे हैं, मगर वही लोग जब लाइव थे, जिंदा थे, तो हमने उनका अपमान किया, उनसे झगड़ा किया, उनको परेशान किया, तो क्या फायदा ऐसे श्राद्ध का? जाके अभी जो हैं उनकी सेवा कर लीजिए, आगे श्राद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। मून के बाद हम बात करते हैं मंगल की। मंगल कुंडली का मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है, सूर्य राजा है, चंद्रमा को रानी कहा गया है। मंगल क्या है? सेनापति। सेनापति मंगल जो है, यानी कि इतना पावरफुल है कि राजा की कोई भी लड़ाई होती है तो सेनापति को ही भेजा जाता है और वही 90% से ज़्यादा जंग जीत के अकेला ही ले आता है, राजा को आके खुशखबरी देता है। यानी कि मंगल इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। मंगल हमारे कैरियर का कारक है, हमारे रिलेशन का कारक है, हमारे चाहे रिश्तेदार हों या हमारे समाज के अंदर रिलेशन हो, वो अगर अच्छे हैं तो मार्स इज गुड, वो अगर खराब हो रहे हैं किसी न किसी कारण, तो यहाँ पर मंगल आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा है। स्वभाव के अंदर एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन है तो मंगल कुंडली में खराब है, कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस है तो मंगल कुंडली में खराब है। भाई जीवन में अगर आपके है और किसी न किसी कारण परेशान है, दुखी है, तो आपकी कुंडली के अंदर आपका मंगल कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट दे रहा है। अब इस मंगल को ठीक कैसे रखा जाए? मंगल को ठीक रखने के लिए आप अपने भाई की यथासंभव मदद करें, मगर जब मंगल खराब होगा तो होगा क्या कि भाई ऐसे कार्य करेगा कि मदद करना तो दूर की बात, आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे कि ये तो बड़ा बेकार आदमी है और इसने तो मेरे लिए ये किया वो किया। देखिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, जो करते हैं प्लैनेट करते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। ना आप किसी का कुछ कर सकते हैं, ना कोई आपका कुछ कर सकता। आपने सिर्फ इस बात को समझना है कि अगर पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर कुंडली के अंदर मंगल खराब है। मंगल मांगलिक कार्यों का कारक है, तो विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में अगर डिले हो रहा है घर परिवार में, तो मंगल कुंडली में खराब है। उसके लिए आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने यार दोस्त हैं, आपके जो अदर लोग हैं, उन सबसे रिलेशन अच्छा रखिए। दूसरा, भाई की सेवा करें, भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखें, भाई के साथ मिलकर काम करें, भाई के साथ मिलकर रहें। मंगल कुंडली में कितना ही खराब क्यों ना हो, अच्छा होता चला जाएगा। भोजन कराएं लोगों को समय समय पर। नीम का पेड़ मंगल से कनेक्टेड होता है, नीम के पेड़ पर डेली जल चढ़ाया करें, इससे भी आपका मंगल ठीक होगा। मगर रेमेडीज के साथ साथ आपको जो कारक चीजें हैं उस पर सबसे पहले ध्यान देना है। मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी क्या है? मरकरी है हमारी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली। लड़की की कुंडली के अंदर साली की जगह ननंद को आप काउंट करेंगे। मरकरी जब कुंडली में खराब होगा तो जातक की जो कारक चीजें हैं ये जीवन में किसी न किसी कारण परेशान होंगी, यानी कि बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली, और लड़की कुंडली है तो ननंद भी ऐड कर देंगे, तो ये परेशान होंगी जीवन में।
इनके जीवन में कोई ना कोई समस्या होगी, किस प्रकार की होगी वो कुंडली से तय होता है, मगर आप एक जनरल एनालाइज अगर करते हैं तो परेशानी होगी। दूसरा, व्यापार करते हैं तो व्यापार ठीक से चलेगा नहीं, मजेदारी नहीं होगी। अगर आप व्यापार नहीं करते, नौकरी करते हैं तो नौकरी के अंदर दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार की आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं है, आपका खाने का टेस्ट जो है वो सही से नहीं आ रहा है, आपके जो बोलने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर मिठास नहीं है, आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने की आदत है, दैट इज बैड मरकरी। बहुत सारे लोग होते हैं कि अब हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, अभी ये खाने के माने खाने में दिमाग लगा रहता है, ये खराब मरकरी के लक्षण है। दूसरा, मरकरी जब कुंडली में खराब होगा तो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, नसें हैं, उससे संबंधित कोई ना कोई बीमारी जरूर देगा। दांतों का कारक है, जुबान का कारक है, तो यहाँ पर मरकरी को ठीक कैसे रखा जाए, तो अभी उसकी जो कारक चीज़ें बताई उनसे रिलेशन हेल्दी रखना। मरकरी खराब होगा तो उनसे रिलेशन आपके अनहेल्दी कराएगा। साथ ही इसके लिए रेमेडी, केले का पेड़, उस पर आप जल चढ़ा सकते हैं डेली। पक्षियों को साबुत हरी मूंग जो आती है, रात को पानी में भिगोएं, नेक्स्ट डे घर के बाहर का मतलब गेट पे नहीं, ये गेट के बाहर ही डाल दी, पार्क में या कहीं भी ऐसे स्थान पर जहाँ पक्षी ज़्यादा आते हैं, और डेली डाला करें, जितनी खा सकते हैं पक्षी उतनी डालें। ये लगातार जब करेंगे, फिटकरी का पाउडर ला के रखें, रात को सोते समय चुटकरी पाउडर लें, उससे अपने दांतों को साफ करें, कुल्ला करके सोएं। ये कार्य आप रूटीन में बना लीजिए, आपका मरकरी कितना खराब हो, जब आप ये रेमेडी कम से कम साल भर लगातार करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट आने जरूर शुरू हो जाएंगे, ये 100% तय है। वीनस में प्रॉब्लम आ रही है तो वीनस के अंदर ठीक होना शुरू हो जाएगा, मगर रिलेशन वहाँ पे हेल्दी रखने हैं, बहन बेटी बुआ मौसी साली इनका मान सम्मान करना है, जब भी ये घर पे आए या इनके यहाँ जाएं तो इनका पूरा मान सम्मान करें, खुश करके भेजें, इसी में आपकी तरक्की है। मरकरी के बाद अगर बात करें तो वीनस, वीनस वीनस क्या है, हमारी मैरिड लाइफ। वीनस लग्जरी, आज की डेट में हम पैसा कमाना चाहते हैं किसके पीछे, घर में एसी हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, ये भी हो वो भी हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मरकरी। मरकरी रोमांस, हमारी मैरिड लाइफ के अंदर रिलेशन, मरकरी खराब होगा तो जातक के करेक्टर को लूज करेगा, जातक के घर के बाहर रिलेशन डेवलप करेगा, हम सोचेंगे ये मरकरी सॉरी वीनस जो है ये अच्छा है, ये वीनस अच्छा नहीं है, वीनस खराब है। पत्नी के साथ अनबन रहना, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा होना, पत्नी का अपमान करना, ये सब खराब वीनस के लक्षण है। घर के अंदर कपड़ों का बिखरा होना, अलमारी में प्रॉपर लगा ना होना, ये सब वीनस खराब के सिम्टम्स हैं। तो वीनस की जो कारक चीज है वो क्या होगी, पत्नी। लड़की कुंडली में क्या हो गया, पति। वीनस को ठीक रखने के लिए क्या क्या काम करें, एक तो आपके घर में किसी प्रकार के कपड़े बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, सब प्रॉपर सेट होने चाहिए हमेशा। दूसरा, डेली परफ्यूम डीओ वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल करें, क्रीम पाउडर वगैरह जो भी है प्रॉपर लगा के बिल्कुल तरीके से अप टू डेट होकर घर से निकला करें। घर में भी रहें तो इसी तरह से रहना है कि अचानक कोई आ जाए तो ये ना लगे कि आप ये तो ऐसे ही है, बिल्कुल टिच रहना चाहिए। दूसरा, पत्नी का सम्मान करें, और पत्नी है तो वो पति का सम्मान करें, क्योंकि जब खराब होगा तो रिलेशन खराब कराएगा, खराब करने नहीं है, आपको दिमाग में बिठा लेना है मुझे अपना बिजनेस अच्छा करना है। बिजनेस अच्छा करने से क्या होगा कि आपकी लग्जरीज बढ़ेगी, आपके पास धन आएगा। धन कैसे आएगा, पीछे एक वीडियो बनाई थी सेक्रीफाइस ऑफ प्लानेट, इफ वीनस इज बैड इन योर चार्ट देन मून डेफिनेटली विल बी बैड इन योर चार्ट। अगर कुंडली में शुक्र खराब होगा तो चंद्रमा ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। शुक्र को अच्छा रखने के लिए वेल ड्रेस रहना, घर के अंदर गंगा जल डेली छिड़कते रहें। दूसरा, डेली गाय को एक रोटी जरूर खिलाया करें, अगर हो सके थोड़ा गुड़ डाल के खिला दें। ये नहीं हो सकता, पक्षियों को आप शुक्रवार के शुक्रवार थोड़ी खीर दे दिया करें, ये भी एक सुंदर रेमेडी है कि हर शुक्रवार थोड़ी सी खीर बनाई
परिवार के साथ खाई, उसका कुछ हिस्सा आपने निकाल दिया पक्षियों के लिए और किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहाँ पे वो खा ले, ये उपाय भी कर सकते हैं। बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सैटर्न, व्हाई द सैटर्न इज मोर इम्पोर्टेंट प्लैनेट, बिकॉज द सैटर्न इज द देवता ऑफ दुख, दुख का देवता है, दुख देगा अगर दुखी हुआ। मकान का कारक है, मकान से संबंधित दुख देगा, मकान का अच्छा हुआ तो मकान का सुख देगा। द सैटर्न इज कैरियर बिकॉज द सैटर्न इज द ऑनर ऑफ 10th हाउस अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली एंड आल्सो हैव 11th हाउस। 10th हाउस और 11th हाउस कालपुरुष कुंडली की जब बात करते हैं तो सैटर्न के कंट्रोल में आता है, बिकॉज देयर इज मकर एंड कुंभ राशि इन 10th हाउस और 11th हाउस। 11th हाउस इज अवर इनकम, कैरियर अच्छा होगा तो इनकम भी होगी, इसलिए कैरियर के बाद नेक्स्ट हाउस किसका है? इनकम का। सैटर्न किन चीजों का कारक है? गरीब लोग, लेबर क्लास, जो बुजुर्ग परेशान लोग हैं घर के बाहर, जो बुजुर्ग परेशान लोग हैं, दैट इज सैटर्न। इन लोगों से किसी प्रकार का भी विवाद नहीं करना, ठीक है? कई बार हम अपशब्द बोल देते हैं कि कोई बुजुर्ग आ गया या कोई वैसा गरीब आदमी आ गया कि तू हट्टा कट्टा है, तू पैसे नहीं कमा सकता, कुछ लोग आदत होती है ना बोलने की, क्यों बोलना? तुमने अपना मरकरी क्यों खराब करना? भाई तुम्हारा काम है, देना है ठीक है, नहीं देना है तो भी ठीक है, चुप रहो, मगर अपने मुंह से अपशब्द ना कहो। आपके यहां अगर आपकी दुकान है तो लेबर काम कर रही है, दैट इज सैटर्न। तो आपकी अगर लेबर खुश है तो आपकी दुकान भी कहीं ना कहीं अवश्य ही ठीक चलेगी। क्यों? सैटर्न का सीधा कनेक्शन कैरियर से है। आप जॉब में हैं तो आपके जितने भी नीचे एम्प्लॉय हैं ऑल आर सैटर्न, तो आपने उनको जो है अगर प्रताड़ित करेंगे तो आपके कैरियर में एक दिन दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि किसी का सैटर्न बाय डिफॉल्ट तो अच्छा है, अच्छी जगह लग गया, मगर वो लगातार एक ही काम किए जा रहा है, परेशान कर रहा है गरीबों को, लेबर क्लास को तंग कर रहा है, ढंग से हिसाब नहीं कर रहा है, पैसे काट रहा है, मतलब उनको किलसा रहा है, उनकी बद्दुआ ले रहा है, तो वो क्या होगा, सैटर्न कुंडली में कितना ही अच्छा क्यों ना वो खराब होता चला जाएगा। इनके प्रति भाव ठीक रखिए, इनके प्रति सेवा का भाव रखिए। साथ ही सैटर्न पक्षियों में अगर बात करें तो जो कौवे होते हैं ये सैटर्न हैं। कौवों को डेली कुछ ना कुछ फूड ऑफर करा करें, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, वट एवर, कौवे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। कौवों की जितनी सेवा भाव आप मन में लाएंगे आपका सैटर्न ऑटोमेटिक अच्छा होता चला जाएगा। राहु की बात करते हैं। राहु कुंडली के अंदर सर्वाधिक पापी ग्रह है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर कुंडली के अंदर इसको अच्छा कर लिया जाए तो ये निश्चित तौर पर आपको जीवन के अंदर ह्यूज सक्सेस दे सकता है, और बहुत ही कम टाइम पीरियड में और सडन, क्योंकि सडन का कारक है, अचानक का कारक है। राहु क्या है? राहु गंदगी है। राहु क्या है? जंग लगा सामान है। राहु क्या है? राहु स्वीपर है, सफाई कर्मचारी है। समय समय पर तीज त्योहार पे जो स्वीपर होते हैं इनको आपने कुछ पैसे, मिठाई वगैरह देते रहना, अपशब्द ना बोलना। दूसरा, घर में किसी प्रकार का जंग लगा सामान ना रखना। साथ ही आपने घर के जो टॉयलेट्स हैं उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखना, क्योंकि दैट इज राहु। घर में गंदगी का किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा एक कहावत है, दिवाली के टाइम पे एक कहावतें बचपन से सुनते आए हैं कि भाग दलद्दर लक्ष्मी आई, सुनते आ रहे थे। अब वो चीज़ें जो हैं कनेक्ट होती दिखाई दी, तो भाग दलद्दर, दलद्दर मीन्स गंदगी, तो गंदगी को हटाओ। तो दिवाली जब आती है तो दिवाली का त्यौहार बनाया गया, तो साल में एक बार एक सिस्टम बनाया कि आदमी दिवाली के बहाने अपने पूरे घर की एक बार सफाई कर ले, वाइट वॉश कराए, तो वाइट वॉश होगा तो पूरा घर वैसे साफ हो जाएगा। ये सामान इधर से उधर होगा तो जो कहीं भी कोई कीड़े कवारे कुछ भी आपका जाले लगे होंगे वो सब साफ होंगे। तो घर के अंदर साफ सफाई रखना, ये आपके राहु को ऑटोमेटिक अच्छा करता है। घर में किसी प्रकार का धुआं ना करना, सुगंधित वातावरण घर के अंदर हमेशा रखना, दैट इज राहु। राहु को अच्छा करने के लिए
आपने क्या करना है, अगर आपके आसपास कहीं बिल्ली आती है तो दैट इज राहु, बिल्ली को कुछ ना कुछ देते रहा करें। हालांकि ये मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है। सफाई कर्मचारी का आपको बताई दिया, समय समय पर इनको मूंग की दाल दे दिया करें, लाल मसूर की दाल, कुछ पैसे सिक्कों के रूप में दे दिया करें चाय पीने के लिए। ये करना शुरू कीजिए, आपका राहु कैसे भी खराब क्यों ना हो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि राहु को ठीक करने के पीछे और बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, सैटर्न भी है, मरकरी भी है, मार्स भी है, मून भी है, अभी उन सब चीज़ों पर नहीं जाएगी, उनकी बातें पहले अलग अलग वीडियो में कर चुके हैं। मगर आज जो बात कर रहे हैं वो एक जनरल चीज़ों को हमें अपने माइंड में सेट रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की कारक है और कैसे उसको ठीक किया जाए। केतु की बात करते हैं तो केतु क्या है, केतु इज द कारका ऑफ लेग पेन, बैक पेन, हमारे यूरिन रिलेटेड कितने भी जो परेशानियां होती हैं दैट इज केतु। केतु इज द कारका ऑफ चाइल्ड, स्पेशली मेल चाइल्ड। केतु जीवन में हमारे ऐश का कारक भी है, क्योंकि केतु जो है वो शुक्र का एक पार्ट भी है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, वो आपको पता है कि मसनवी प्लांट के अंदर जब बात करते हो राहु केतु इज इक्वल टू मेक वीनस। केतु को कुंडली में अच्छा रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और केतु हर एक की कुंडली में कहीं ना कहीं परेशान होता है। केतु जब खराब होगा तो उसकी कारक चीज़ों से परेशानियाँ आएंगी, यानी कि संतान को लेके कोई ना कोई चिंता परेशानी, ज़्यादा खराब होगा संतान नहीं होगी, अगर कम खराब होगा तो संतान तो हो गई मगर संतान कैरियर में सेट नहीं है, कहना नहीं मान रही है, जीवन में किसी किसी कारण परेशान है, कमर दर्द है, पैरों में तकलीफ है, जीवन के अंदर व्यर्थ की भाग दौड़ है, क्योंकि पैरों के चक्कर का कारक भी केतु है। तो केतु को ठीक रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब केतु को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे सुंदर उपाय है, सबसे सरल है, ये हर व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, हर साल कुछ ब्लैंकेट गरीबों में बांट दिया करें, स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ फूड देते रहा करें, उनको मारना नहीं है, ये दो काम पकड़ के चलिए, आपका केतु कुंडली में कितने भी खराब क्यों ना हो वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने प्लैनेट्स की कारक चीज़ों को पकड़ के कुछ जो जनरल रेमेडी हैं वो हम सभी को लगातार दिमाग में रख के करते रहनी चाहिए। अगर पर्टिकुलर किसी प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उस रेमेडी के लिए हम अपनी चार्ट को समझ सकते हैं, वो बता रखा है कि आपका लगन चार्ट कैसे निकालना है। लगभग जितने भी लोग आप देख रहे हैं आपको पता है कि लगन चार्ट कैसे निकलता है, लगन चार्ट के अंदर आपका बृहस्पति कहाँ है, जैसे ये आठवें घर में है तो आठवें घर का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, मगर अगर कुंडली के अंदर अच्छी पोजिशन में नहीं है, यानी कि प्लेसमेंट अच्छा होने के बावजूद भी वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए बृहस्पति इन ट्वेल्थ हाउस, तो हर एक हाउस के ऊपर डिटेल में वीडियो है जहाँ पर यह बताया गया है कि अगर बृहस्पति अच्छे घरों में है, जैसे कि इसके फर्स्ट हाउस है, खराब किस में होता है, सिक्स्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, टेंथ हाउस में खराब है, बाकी घरों में अच्छा ही माना जाता है, मगर बाकी घरों में अच्छा होने के बावजूद खराब रिजल्ट दे रहा है, और जो खराब घर हैं वहाँ बैठकर अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, उसके पीछे कौन कौन से रूल काम करते हैं वो सारी डिटेल में बताई हुई है। तो इसी तरह बृहस्पति के साथ साथ 12 नौ के नौ घरों के ऊपर बता रखा है, तो वहाँ पे जाके आप इजीली चेक करके समझ सकते हैं कि ये ठीक है ये खराब है, ये खराब है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, उस सिम्टम्स को चेक कीजिए, उसकी रेमेडी कैसे करनी है वो जैसे भी कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाएगा कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है, उसी प्रकार आपने अपनी चीज़ों को ठीक करना है। लगन चार्ट रेमेडीज काम करेंगी होम्योपैथी दवाई की तरह, द वर्ष फल रेमेडीज काम करेंगी इमीडिएट जस्ट लाइक ए एलोपैथी मेडिसिन। नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द रेमेडी कॉन्सेप्ट विल वर्क, जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक रेमेडीज प्रॉपर काम नहीं करेंगी, और लाइव जो थिंग्स हैं प्लैनेट्स की उसको दिमाग में हमेशा रखिए, उपाय सेकेंडरी, लाइव थिंग जो है वो फर्स्ट, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक उपाय कितना भी कर लें पूरी तरह काम नहीं करेंगे। हालांकि मैंने एक बात नोट करी है कि जब हम लगातार किसी प्लैनेट का उपाय करते हैं, तो सपोज कीजिए मून की बात करते हैं, तो मून का जब लगातार उपाय कर रहे हैं, मून हमारा जब अच्छा होना स्टार्ट होगा तो इधर तो पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा,
दूसरा मन खुश रहेगा, आप कहीं भी रहें खुश रहेंगे। दूसरा पैसा आएगा। तीसरा मदर से ऑटोमेटिक रिलेशन हेल्दी होंगे, मदर के हेल्थ इशू भी आपको सुधरते दिखाई देंगे। तो एक को पकड़ के, तो ऐसी तरह सभी प्लैनेट्स किसी न किसी कनेक्टेड हैं। तो उसके लिए रेमेडी का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई लगन चार्ट है उसकी, आजीवन वर्षफल की वर्षफल के अनुसार, किसी साल मून आपका अच्छा है तो उस साल कोई ज़्यादा रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है, या रेमेडी कैसे करनी एग्जैक्टली स्पेसिफिक रेमेडी वो वर्षफल तय करेगा। मगर आज जो बताई है वो जनरल रेमेडी है, उसको हम बिना कुंडली देखे आजीवन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के बारे में कि इस कुंडली के अंदर समस्या जो थी मदर के लाइफ में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, कैरियर के अंदर इश्यू, ये सारी प्रॉब्लम इस जातक के साथ चल रही है, उसके पीछे का कारण क्या है और ठीक कैसे करना है।